फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपके CNSC शनाख्त कार्ड नंबर पे कितने समय है। आप एक मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपकी जेस की कितने समय है, आपकी टेलीनार की समय कितनी है, आपकी यूफोन और जोंग की समय कितनी है। उसके बाद अगर आपको अपना नंबर याद नहीं तो वो कैसे चेक करें कि आपका नंबर इस मोबाइल में कौन सा है, और जेस का बैलेंस शेयर कैसे करें। ये तीनों मेथड मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे प्रेस लाजमी करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले सर हम मैसेज ओपन करेंगे। मैसेज में इस नंबर पे हम अपना शनाख्त कार्ड नंबर सेंड करेंगे, 668 ये नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद आप टेक्स्ट मैसेज में अपनी शनाख्त कार्ड CNSC नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप सेंड SMS पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज सेंडिंग में हो जाएगा। अब ये मैसेज आपको रिसीव होगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके जेस के कितने समय, यू फोन की कितनी समय, जोंग की कितनी समय, तो आपके शनाख्त कार्ड नंबर पे कितने समय है। उसके बाद अगर आप नंबर भूल गए हैं तो वो कैसे चेक करें, जेस का हो या यू फोन का हो, टेलीनार का हो, वो कैसे चेक करें। तो एक ऐसा कोड जो आप एक सेकंड में चेक कर सकते हैं कि ये इस मोबाइल में हमारा नंबर कौन सा है। जेस का नंबर कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपको *999# मिला के आपको डायल करना है। इस कोड को आपको डायल करना है। जैसे आप इसको डायल करेंगे तो यहाँ पे सर आपको जेस की सिम पे डायल करना है, क्योंकि ये जेस का कोड है, हम जेस का नंबर चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ जेस के नंबर पे डायल करेंगे तो ये आपको जेस का नंबर शो होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये कोड सर आप डायल करके टेलीनार, जोंग, यूफोन का नंबर चेक कर सकते हैं। उसके बाद सर जेस के नंबर से जेस नंबर पे बैलेंस शेयर कैसे करें, किसी दूसरे नेटवर्क पे आप जेस से बैलेंस शेयर नहीं कर सकते। तो सर सबसे पहले आपको ये कोड लगाना पड़ेगा, जेस टू जेस बैलेंस शेयर कैसे करें, ये कोड आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे *100*, उसके बाद आपको वो नंबर यहाँ पे लगाना है जिस पे आप बैलेंस शेयर करना चाहते हैं। नंबर लगा के बाद में स्टॉर लगाना है, उसके बाद आपको अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आपको हैश लगाना है, उसके बाद आपको डायल करना है। जैसे आप डायल करेंगे उसके बाद आप जेस वाली सिम पे डायल करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप इस नंबर पे ये अमाउंट भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नीचे 1 लिखेंगे, और उसके बाद आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, क्योंकि हम बैलेंस शेयर करना चाहते हैं, हम भेजना चाहते हैं, तो हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा सर बैलेंस शेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।